शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी चैनल के एक एंकर अमीश देवगन द्वारा किसी प्रोग्राम में अजमेर शरीफ हजरत बाबा मोहिद्दीन चिश्ती इनके ऊपर बातचीत के दौरान कुछ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका पुरजोर विरोध शहर के नागरिकों द्वारा संविधान चौक पर किया गया। सूफी संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस प्रकार के नारे संविधान चौक पर लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आए हुए हैं जिन्होंने सूफी संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का यह बैनर लगाया है, और एक टीवी चैनल के एंकर ने कुछ अभद्र टिप्पणी की थी जिसके चलते ये लोग खफा है। भले उस एंकर ने माफी मांग लिया हो, लेकिन लोग उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को क्या कहना है यही जानना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ लोग हैं उनसे जानना चाहिए। सर ये बताए कि जिस तरह से एंकर ने जो माफी भी मांग लिया है और उन्होंने ये कहा है कि बातों में उन्होंने इस तरह की जो बात कही है उनका उन्होंने खेद भी जताया है और माफी भी मांगा है, क्या आपको लगता है कि इतनी माफी ज्यादा बहुत ज्यादा है या उन्होंने इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए था? आखिरकार क्यों यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए वो जो कार्यक्रम है जिसमें अमीश देवगन जी ने ये गुस्ताखी की हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में, उस कार्यक्रम को आप ध्यान से देखिए, डिबेट के पूरे मुद्दे को आप समझिए। वो जो माफी मांग रहे हैं वो माफी जिस ढंग से मांग रहे हैं और जिस ढंग से उन्होंने डिबेट में उनकी आलोचना की, उनके ऊपर में कटाक्ष किया और उनके बारे में अपशब्द कहे, वो अपशब्द, वो कटाक्ष और माफी मांगने का तरीका, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो माफी मांग नहीं रहे हैं, वो एहसान जता रहे हैं। अमीश देवगन जी को सार्वजनिक तौर पे माफ करने की जिम्मेदारी इस देश की जनता की है। ये बताइए कि अमीश देवगन ने ऐसा क्या कहा जिसके चलते आप बबूला हो रहे हो? देखिए उन्होंने इस देश के सर्वमान्य सूफी संत हजरत ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती, उनकी दरगाह पे, उनके मजार शरीफ पे हिंदुस्तान का हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, क्रिश्चियन भी जाता है, आपके सिख भाई भी जाते हैं, आपके बौद्ध भाई भी जाते हैं। इस ये देश जो है हमारा, ये साधु संतों का देश है। ऐसे समय में, ऐसे देश के अंदर में एक एंकर द्वारा अपने हिंदुत्व की भड़ास निकालना और उस भड़ास के अंदर में किसी संत के ऊपर में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप करना और ये कहना कि उन्होंने हिंदुस्तान में आके कब्जा किया और उन्होंने यहाँ के जो उस वक्त के हिंदू थे उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया, ये जो जिस तरीके की भाषा उन्होंने वापरी है, ये कतई हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। बिल्कुल, तो इस तरह के इन्होंने ये बातचीत किया है कि एंकर ने जिस लहजे में जो बात किया है वो पूरी तरह से गलत है, ऐसा इनका मानना है। चलिए आप बताइए कि सर जिस प्रकार से उन्होंने जो बात कही है, क्या लगता है आपको, क्या ये प्रकरण यही पूरी तरह पूरा हो चुका है क्या और ये बढ़ता जाएगा? देखिए जो अमित देवगन जी ने जो गलती की है वो गलती माफी योग्य नहीं है, ऐसा हमें लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार जो है, इनके ऊपर सर्व धर्म के लोग आस्था रखते हैं और इन्होंने सभी धर्मों के भावनाओं को बहुत ही चोट पहुंचाई है, इसलिए हमें नहीं लगता कि वो माफी योग्य है। और इसी तरह से इनको हम जल्दी से जल्दी सरकार से ये मांग करते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए और हमारे इस देश के लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए उसे जल्द से जल्द शरीकों के पीछे डाला जाए। ये देश सभी सूफी संतों का है, ये देश सभी जाति धर्म पंथ के लोगों का है, इस देश में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, इसीलिए भारत देश पूरे विश्व में उनकी एक अपनी पहचान है, उनका एक अपना रुतबा है। और भारत देश सभी देशों में क्यों अच्छा है, इसकी वजह यह है क्योंकि देश में सभी जाति धर्म पंथ के लोग रहते हैं। लेकिन ऐसे में जब इस प्रकार की कोई बात कर देता है, एक खलल सी पैदा होती है और इसी के चलते पूरे समाज में आपस में कई टेढ़ निर्माण होती है। इसकी खबरदारी लेना चाहिए, इस प्रकार के विधान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है वतन के, हिंदुस्तान हमारा। संविधान चौक से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।